Hi. So during lockdown, I mean, I worked till none of the watch. मतलब पूरा रात से जागे हुए थे भाई। जी हाँ, पूरा रात से जागे हुए थे, सोए नहीं हम। ऐसे कितना दिन चला गया पता नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर तो जा नहीं सकते, या तो घर में बैठ के ही दिन निकल गया है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्या बोले आपके इसके बारे में। घर में बैठे बैठे पूरा बोर हो गया है। जी हाँ, घर में बैठे बैठे पूरा बोर हो गए हैं हम। और फिर भी जो भी है, हम हमारे पीसी के सामने ऐसे बैठे हुए हैं, काम तो कर रहे हैं, देख सकते हैं कितना सामान पड़े हैं। कुछ भी नहीं किए हम, इतना सामान गिरा के रखे हैं। क्या बोले, मच्छर भी काट रहे थे थोड़ा, तो हम ये भी रख रहे हैं, देख सकते हैं, मच्छर के लिए। कोई भी माँ बाकी नहीं था, तो क्या बोले। अभी तो पता नहीं लॉकडाउन कितना देर, कितना लंबा लेके जाएगा वो लोग। अभी तो बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं कितना देर लेके जाएगा। तो हम तो इतने से ही, जी हाँ, इतने से ही हम तो बोर हो गए, बता रहा हूँ आपको। इतने से ही हम तो मतलब क्या बोले, पूरा टूट गए हैं। कितना दिन लॉकडाउन चलाओगे भाई, इतना दिन पता नहीं। और लॉकडाउन अगर लग भी ना, लॉकडाउन अगर टूट भी जाए, तब भी एक क्या बोले, ये जो कोरोना है बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अगर लॉकडाउन खुल भी जाए, वो भी एक बड़ा दिक्कत आने वाला है। लॉकडाउन खुलने के बाद क्या हुआ, और ऐसे ही भी इतना दिन लॉकडाउन होने के बाद सब कुछ, मार्केट तो पूरा डाउन हो चुका है, तो पता नहीं क्या हुआ। बहुत खराब हाल है भाई हमारा, हमारा देश का, इंडिया का बहुत खराब हाल है। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पता नहीं, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, नींद भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो क्या बोले, ऐसे ही बैठे हैं हम। आज तो गाना वाना भी नहीं सुने, क्या बोले। 48, जी हाँ, 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं हम सोए नहीं अभी तक। 48 आवर्स हो चुके हैं हम सोए नहीं अभी तक, पता नहीं क्या होगा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, पूरा लॉकडाउन में घर बैठे बैठे पूरा दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं हम क्या करेंगे और क्या करेंगे उसमें, क्या बोले हम। और साला इंटरनेट भी ठीक से नहीं आता है, और जो जियो का इंटरनेट भी हमारे यहाँ ठीक से नहीं आता है, और क्या बोले। तो चलो ठीक है, अभी तो कितना देर बच रहा है, अभी आपको दिखाता है कितना बच बच गया है। तो 5:27, जी हाँ, 5:27 तो हो चुके हैं अभी। तो ठीक है ना, तो रखते हैं भाई। और क्या बोले, शेयर करना था कुछ बात कोरोना के मामले में। और हाँ, आने वाले टाइम पे हम बाहर गए थे कुछ दोस्तों से मिलने, वहाँ पर भी क्या बोले, कुछ वीडियो हमने अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़रा सीरियसली मत लेना, वो हमने ऐसे ही मजाक मजाक में बना दिया, ठीक है। सीरियसली मत लेना इस वीडियो को, दरअसल आप बोल सकते हैं कि ये अनऑफिशियल वीडियो है। जी, एक अनऑफिशियल वीडियो है, आप बोल सकते हैं। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले ऑफिशियल वीडियो में, ठीक है ना। और हाँ, बाहर तो निकले थे, लेकिन ज़्यादा लोग मुझे दिखाई नहीं दिया, तो उसके बारे में वीडियो में दूंगा। मेरे बाइक में ये कैमरा लगा के मैंने कुछ शूट किया था, ठीक है, उसके बारे में कुछ वीडियो हम देंगे। तो ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बाबा हम लोग के साथ बने रहिए। और हाँ, मेरा एक और भी चैनल ओपन किए हैं, मतलब ओपन किए हैं नहीं बोलूँगा, ओपन था, लेकिन कुछ ज़्यादा वीडियो मेरा नहीं था वहाँ पे, ठीक है। उसका लिंक मैं अभी तो नहीं दूंगा, कुछ दिन बाद में आपको आपको दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि और जो चैनल था वो दरअसल क्या है ना, उसका जो ईमेल एड्रेस था, वही मुझे बिल्कुल मतलब मेरे ब्रेन से निकल गया था। जी, उसका जो ईमेल एड्रेस था, वही मेरे ब्रेन से निकल गया था। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला भाई, नंबर नंबर ए वो निकल के मुझे, हाँ भाई, ये ईमेल एड्रेस था। और
उसके बाद जाके मुझे पता चला, और वो जीमेल अकाउंट जो है वो मैंने रिकवर कर पाया। तो क्या बोले यार, तो उसके बाद वो जीमेल अकाउंट रिकवर हो पाया। तो उसको लेकर एक वीडियो में बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है वो भी बना देंगे। और हाँ, वो जो वेबकैम के बारे में भी क्या सोच रहे थे बात। और हमने पहले तो देखे थे कि वो जूम वाला जो अभी होता है ना, जूम में हम सब लोग करते हैं, चैटिंग करते हैं, या जो लोग एडुकेशन सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जूम ऐप। तो जूम ऐप के बारे में बोला गया है कि, मैंने न्यूज़ में देख रहा था कि जूम ऐप लीगल नहीं है। जो गूगल है उसने क्या किया, जूम ऐप को बैन करके रखा है, ऐसा कुछ दिखा रहा था न्यूज़ पे। पता नहीं कौन सा न्यूज़ था, न्यूज़ चैनल मुझे ठीक से दिखाई नहीं आया, सिर्फ सुनाई दिया कि कुछ ऐसे बोल रहे थे कि जूम ऐप को गूगल जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे कुछ बोल रहे थे। पता नहीं भाई कैसा क्यों, पर जूम ऐप कुछ हमारा जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स तो चोरी कर रहा है, मतलब कुछ समथिंग ऐसे बोल के बोल रहा था कुछ न्यूज़ में, ऐसे सुना था मैंने। जूम ऐप मैंने भी यूज़ किया, पता नहीं अब क्या होगा। मेरा एक क्लास था वहाँ पे, मैंने यूज़ किया जूम ऐप। तो जूम ऐप का जो पहले तो हम ठीक ठाक मीटिंग में ऐड हो गया था, लेकिन सेकेंड टाइम पता नहीं क्यों भाई मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताना। और जो भी है जूम ऐप के बारे में, अगर आपको क्या राय है, मतलब आपका एक्सपीरियंस, जी हाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उसके बारे में मुझे बताना, ठीक है। और कैसे बताऊंगे, नीचे कमेंट कर बताना, ठीक है ना। ठीक है, चलो अभी तो रखते हैं, बाय। Hi, welcome in Baba Howla Mansion. People say I try too hard. People say I come off really awkward. Hello friends, welcome in Baba Howla. For see our video, search in YouTube Baba Howla. Are you new or new viewers in Baba Howla? Then please subscribe my channel and hit the bell icon. For never miss any video. ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंचा दीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को बार बार आकर देखने के लिए, दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।